हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और देखिए फ्रेंड, ये है मूली, मैंने उबालने के लिए रख रही हूँ। और देखिए यहाँ पे मैं फटाफट से बच्चों के लिए पराठे भी बना दे रही हूँ नाश्ते के लिए, क्योंकि उनका पेपर है, तो इसीलिए मैं फटाफट से यहाँ पर उनके लिए पराठे बना दे रही हूँ, क्योंकि खा जाएंगे वो, लेके तो नहीं जा रहे हैं, थोड़ा बहुत खा ही जाएंगे, उन्हें फिर भूख लग जाती है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, आज मेरा ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो देखिए फ्रेंड, फटाफट से यहाँ पे मैं 3 परत के पराठे बना रही हूँ। सुबह सुबह ना बहुत जल्दी जल्दी जगना पड़ता है और करना पड़ता है, आज मुझे नहीं, सुबह सुबह तो ऐसा लग रहा था कहीं लेट ना हो जाऊँ। कल मैं ना थोड़ा सा लेट हो गई थी फ्रेंड, तो इसलिए मैं आज थोड़ा जल्दी जग गई हूँ, क्योंकि मुझे ना डर लगा रहता है कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे, उनको जगाना, नाश्ता कराना बहुत टाइम लग जाता है। तो देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल नहीं है, तेल से ही यहाँ पर पराठे बना रही हूँ, तेल के भी वैसे अच्छे रहते हैं। तो फ्रेंड, आप ना इस तरीके से पराठे बनाते हो दाब दाब के पलटे से, तो अच्छे बनते हैं और फूल के भी कड़क हो जाते हैं, तो फ्रेंड अच्छे से ही बनते हैं इस तरीके से पराठे हम बनाते हैं। तो फ्रेंड प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरा ब्लॉग देखिए आप लोग, और प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कर दें। फ्रेंड आप लोग देखते हो वीडियो तो पसंद आता तो प्लीज़ कमेंट भी करिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो फ्रेंड प्लीज़ मैं और भी आगे बढ़ सकती हूँ फ्रेंड, अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी आपके लिए। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे पराठे हो गए हैं बनके तैयार, और बच्चों के लिए मैं खिला दूँगी। अब यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पर तैयार भी हो गए हैं, देखिए मैं उन्हें दे रही हूँ, उन्होंने थोड़ा थोड़ा ही खाया है फ्रेंड। तो देखिए बोतलों में इनके पानी नहीं है, अभी मोटर चली नहीं। तो फ्रेंड देखिए, मैं यहाँ पे इनकी बोतलों में पानी भर देती हूँ, ये खाना तो नहीं लेके जाते हैं, और मोटर अभी चली है तुरंत ही। तो चलिए चलिए फ्रेंड, आगे मेरे वीडियो में बने रहिए, यहाँ पे बेटियाँ करेंगी आपसे बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर कर लिया पूजा, दिया बाती भी चला दिया, दिया भी जला दिया फ्रेंड, जब भी कर लिया है। और मेरे बच्चे जा चुके हैं स्कूल, वो आएंगे 10:30 बजे। तो फ्रेंड आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताया करिए, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं देखते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड। आज मैंने बाल धोए हैं, अभी मैं काटूंगी और बच्चों को बुलाने भी जाऊंगी फ्रेंड, हो गए हैं पेपर उनका ओरल का, हिंदी का। तो चलिए फ्रेंड, ब्लॉग में बने रहिए, आगे आपसे मिलती हूँ, बाय। तो फ्रेंड देखिए, पूजा पाठ करके मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने मूली जो थी मैंने वो उबाल दी थी पहले ही, पूजा से पहले ही उबाल दी थी। मैं उनका पानी निकाल रही हूँ फ्रेंड, अच्छे से पानी निकाल के फिर उन्हें तलाऊँगी, फ्राई करूँगी फ्रेंड। तो देखिए मैं तो इस तरीके से भुजिया बनाती हूँ मूली की, आप कमेंट में बताना इस तरीके से बनाते हो क्या फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने तेल ले लिया, और इसमें जीरा नहीं डालते हैं फ्रेंड, यहाँ पर डालूँगी मैं हरी मिर्च और प्याज। प्याज और हरी मिर्च मैंने कट करके पहले ही रख ली थी फ्रेंड, और इसमें टमाटर नहीं डालते हैं, इसमें ना अजवाइन डालते हैं, जीरा नहीं डालते हैं। तो देखिए अच्छे से इन्हें भुनने के बाद मैं डालूंगी भुजिया, जो मैंने पानी निकाल कर निचोड़ के रखी थी मूरा की। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे प्याज को अच्छे से भुनना है हमें, ये ना बस थोड़ी सी है, हम ना 2 ही लोग खाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी बनाई है, 1 किलो मूरी की फ्रेंड इतनी सी हो चुकी है ये थोड़ी सी भुजिया। तो फ्रेंड देखिए, मूली के बाद मैं बनाऊँगी अच्छे से खाना। यहाँ पर मैं डालूँगी मसाले, यहाँ पर डालूँगी मिर्च, मैंने 2 मिर्च हरी तो पहले ही डाल दी थी, यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी फ्रेंड। तो देखिए इसमें ना हींग डालना बहुत ज़रूरी है, यह है धनिया पाउडर, ऊपर से आप मसाले इसमें मिक्स कर सकते हो, इसलिए मैं ऊपर से डाल रही हूँ। यहाँ पे डाल दी मैं धनिया पाउडर, मैंने इसमें ना हल्दी नहीं डाली है, क्योंकि जी हरी सब्जियों में हल्दी नहीं डालते हैं। और देखिए यह हींग नई डिब्बी है, अभी मैंने इसमें थोड़ी सी हींग भी डाल दी है। स्वाद अनुसार फ्रेंड इसमें नमक डाल देना है। और देखिए यहाँ पर बन गई हमारी भुजिया, अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ फटाफट से, ये भी जाएंगे काम पर,
तो देखिए फ्रेंड्स, सुबह तो भाग दौड़ की ज़िंदगी होती है, कभी ये करो, बच्चों को नाश्ता कराओ, बच्चों को स्कूल भेजो, बस यही लगा रहता है महिलाओं को। तो फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बाद का काम बचता है, उसे 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 निपटाती हैं फ्रेंड। तो जब बच्चे आ जाते हैं तब भी काम बढ़ जाता है, बच्चे जाते हैं तब भी काम बढ़ जाता है, कम से कम 2-3 घंटे तक तो लगी रहती हैं महिलाएं, सभी सभी घरों में यही होता है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ भी बना लेती हूँ, क्योंकि इन्हें भी जाना है जल्दी काम पर, नहीं तो ये लेट हो जाएंगे। तो देखिए अभी मैंने ना यहाँ पे बस पूजा पाठ करके अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ फ्रेंड, अब मैं नाश्ता नहीं करूँगी डायरेक्टली, क्योंकि अभी रोटियाँ ही खा लूँगी, सुबह जब पराँठे बनाए हुए थे वही खा लूँगी, इनके लिए मैं रोटी डाल दे रही हूँ दोबारा से। तो देखिए यहाँ पे मैं दोबारा से रोटी बना रही हूँ, अब मैं इनके लिए बना रही हूँ अच्छे से, रोटी पच सीख जाएंगे फ्रेंड। तो आगे मिलती हूँ, चलिए ब्लॉग में आपसे। जल्दी उठने का महिलाओं का एक भी और फ़ायदा होता है, क्योंकि उनका काम जल्दी से निपट जाता है फ्रेंड, जल्दी जगते हैं तो हमारा भी मॉर्निंग अच्छा रहता है, पूरा दिन अच्छा ही जाता है, इसीलिए महिलाओं को ना जल्दी ही जगना चाहिए। घर में अच्छी वृद्धि तभी होती है जब महिलाएं जल्दी जगे। हमें नहाकर अधिकतर रसोई में नहाकर ही आना चाहिए फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियाँ बना लूँगी, मैं हमेशा ही ये सोचती हूँ जल्दी जगूँ, जल्दी नहा धोकर ही किचन में जाऊँ फ्रेंड। मैं अधिकतर यही फॉलो करती हूँ, यही रूल फॉलो करती हूँ फ्रेंड, मैं अपना रूटीन यही चाहती हूँ और मैं यही फॉलो भी करती हूँ। मैं आप सब महिलाओं से भी यही कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जगना भी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड मैं यहाँ से खाना भी बना लेती हूँ जल्दी से, तो बच्चे आते हैं उनके साथ भी थोड़ी देर बैठना पड़ता है, उन्हें भी पढ़ाना पड़ता है फ्रेंड, पेपर हैं तो थोड़ा समझाना भी पड़ता है, तो बच्चों का तो यही है, छोटे छोटे बच्चे हों तो उन्हें तो थोड़ा सा उनके साथ खेलना भी है, ऐसे ही टाइम निकल जाता है फ्रेंड। घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं तब बड़ी मुश्किल होती है वीडियो बनाना, क्योंकि बच्चे भागते हैं पीछे पीछे, मेरे तो घर में छोटे छोटे बच्चे ही हैं, तो इसीलिए फ्रेंड मैं थोड़ा वीडियो कम ही बना पाती हूँ, फिर भी अगर पसंद आ जाता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड आगे मिलती हूँ आपसे ब्लॉग में। और देखिए यहाँ पे जो सब्ज़ी बची हुई थी मैं उसे भी कटोरी में करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी बर्तन भी साफ़ करने, किचन भी साफ़ करने फ्रेंड। देखिए यहाँ पे मैं सब्ज़ी को पलट के रख दे रही हूँ, अब आती है बर्तनों की साफ़ करने की बारी। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मेरी बहन धो रही है कपड़े, मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और देखिए हमारी एक छोटी बेटी भी है, वो मेरी बहन की है, तो उसके पीछे पीछे भागती रहती है, तो देखिए उसने वॉशिंग मशीन पे उसको बिठा लिया है, तभी फ्रेंड हम काम कर पाते हैं। तो आइए फ्रेंड खाना खा लीजिए, देखिए यह है भुजिया और पराठा जो सुबह बनाए थे मैंने। तो आइए फ्रेंड आप भी खाना खा लीजिए, और मेरा खाना मैं यहाँ पे खा रही हूँ। आज मैंने चाय में नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किया है, क्योंकि बच्चे ने दूध पिया था, उन्होंने भी दूध पी लिया था, मैं नहीं पी रही हूँ सुबह से, मैं अब खाना ही खा लेती हूँ डायरेक्ट। तो चलिए फ्रेंड मेरे ब्लॉग में आगे बने रहिए। तो देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर एक चूहिया पकड़ लिया, मैं इसको अब छोड़ूंगी, क्योंकि घर में हो गए बहुत सारे चूहे, मुझे पर डर लग रहा है। तो फ्रेंड देखिए मैंने इसको यहाँ पर बिठा दिया है, आराम से बैठी रहेगी फ्रेंड। मैंने यहाँ पे चूहे को छोड़ दिया है, मैं आई हूँ छत पर, क्योंकि नीचे तो बहुत सारे हैं बच्चे हैं ना हमारे, छोटे छोटे रोटियाँ डाल देती हैं फ्रेंड, तो इसीलिए मैंने उसको वहाँ पे बिठा दिया है, बैठी रहेगी। और चलिए फ्रेंड मैं आपसे मिलती हूँ आगे ब्लॉग में। तो फ्रेंड देखिए मेरे बच्चे यहाँ पर आज के पढ़ के, और ये मांग रही है आइसक्रीम, इसको वैसे भी सर्दी सी हो रही है फ्रेंड, बताओ इसको खिला दूँ कि नहीं? हाँ खिला दो, ये कह रही है मुझे खिला दो, और फिर ना इसे जुकाम सर्दी हो जाता है। ये सृष्टि हेलो करो, नहीं नहीं क्या नहीं करेगी। तो फ्रेंड ये है मेरी छोटी बूटी दो बेटियाँ, और ये है 4 साल की, ये है 3 साल की। तो फ्रेंड देखिए पढ़ के आ चुके हैं, इस वीडियो को हम यही एंड करेंगे, कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना, कमेंट शेयर करना ना भूलें फ्रेंड। चलो इस वीडियो को यही एंड करेंगे, बाय बाय। अब बच्चों की मैं ड्रेस उतारूंगी फ्रेंड, तो इसलिए इस ब्लॉग को यही एंड करना पड़ेगा।